सबसे पहले मैं यहाँ के रोगी हैं उनसे मिलते हैं, क्या स्थिति है यहाँ की। बाबा आप कहाँ आए हैं? दवाई लेने के लिए खोखी सर्दी बुखार। हाँ, क्या नाम, क्या नाम है? ललन राम। ललन राम, घर कहाँ हुआ आपका? कैथेपुर। ये कोरी के रहने वाले हैं आप, दवा लेने के लिए आए हैं, दवा आपको मिल गया? नहीं, दवा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब कोई यहाँ पर है ही नहीं है, किसी से हम लोग नहीं, कोई नहीं है। इसका मतलब कि डॉक्टर साहब भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। नर्स भी नहीं? डॉक्टर नर्स यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ आपको कौन कौन लोग मिले आए, तो क्या बताया लोग कि यहाँ बैठिए जाइए, क्या कहा लोग यहाँ के लोग? कुछ लोग तो होंगे यहाँ के सुपरवाइजर साहब। तो सुपरवाइजर साहब आपको क्या बोले कि दवा के लिए आए हैं तो दवा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बोले आपको? दवाई कोई है या नहीं है तो सुपरवाइजर साहब क्या करे। जी ठीक। तो अब हम यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के पास, ये यहाँ के रक्षक गार्ड साहब हैं। सबसे पहले तो मैं गार्ड साहब से परिचय लेना चाहूँगा, अपना परिचय। भारत के लाल बाबूराम है जी, गाँव में बजे हैं जी। आपसे आप ये लाइट सिक्योरिटी से जी सर। यहाँ ये माता जी कहाँ घर भेगा हो? पानेपुर से बने। कहाँ नाम बा? पार्वती। पार्वती कुंवर, ये बताए रुआ काहे खातिर बनी है या अस्पताल में? पेट में बहुत दर्द बा। कब से आई बनी है? डेढ़ घंटा। तो डॉक्टर साहब से भेंट भइल रुआ? ना, अभी वहाँ के नहीं आई। नहीं आई। एरिया के लोग रुआ से का कहलस कि डॉक्टर साहब आई है ना आई है, दवा मिली कि ना मिली, का कहलो? कहल हाल मुंह के अभी बैठो डॉक्टर साहब आवत। अच्छा, बैठे के कहल? ई कब तक बैठे के कहल? अभी कुछ ना पता ना चलो ना। अच्छा जी ठीक बात। अब देखिए स्थिति यहाँ ये है, ये ग्रामीण हैं, यहाँ यही कोरी गांव के रहने वाले हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गोपाल प्रसाद जी, ग्राम कोरी। हाँ, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, यहाँ डॉक्टर कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं? कभी कभी। अच्छा, और एमएम लोग एक दो आते हैं। हाँ, समझे ना। ये हमको जैसा पता चलता है कि ये जो अस्पताल है यहाँ प्रसव कराने की भी व्यवस्था है। हाँ, सब कुछ का व्यवस्था है। 6 बेड यहाँ लगता है, 6 बेड का व्यवस्था है। हर चीज का व्यवस्था है। जब डॉक्टर नहीं रहेंगे, एमएम नहीं रहेंगे, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये तो चलेगा नहीं। डॉक्टर अपने घर रहते हैं, ड्यूटी पोस्टेड है, यहाँ कौन करेगा? यहाँ रोगी आता है, लौट के चला जाता है। यहाँ कई कई कितने डॉक्टर है यहाँ? तो अभी हमको 3 डॉक्टर थे। परिचय लेना चाहूँगा, आप अपना परिचय। राजकिशोर पांडे जी, रोगी कल्याण सदस्य जी। अभी संस्था है कि नहीं है? अच्छा, है कि नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई दूसरा चुनाव कर लिया, लोग का किया लोग, वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन पहले आप से, कितना दिन से रोगी कल्याण समिति में? करीब करीब धर लीजिए कि 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से हैं आप? आपके साथ कितना मीटिंग हुआ है यहाँ रोगी कल्याण समिति पर? रोगी कल्याण का तो अभी माने 1 साल से, कोरोना काल के बाद से कभी मीटिंगे नहीं हुआ। कोरोना काल के बाद से जितना हम लोग सदस्य हैं। तो आप ये बताइए कि आप इस हॉस्पिटल के ये हैं रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं, 6 महीना मीटिंग हो गया, साल भर अभी मीटिंग हुए 2 साल हो गया, तो आप क्या यहाँ रोगी के कल्याण के लिए बात करेंगे? जैसे आप इसका शिकायत कहीं और किए कि नहीं? जैसे आगे हम अभी वर्तमान में मैंने नहीं किए हैं, आज हम आए हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ की स्थिति देखे, रोगी लोग आया है। अच्छा, रोगी लोग आया है तो मैंने गार्ड साहब से पूछे कि क्या हो गया, कारण जो 11:30 टाइम हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। तो गार्ड साहब बताया कि अभी तक कोई आया नहीं, आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। अच्छा, धीरे धीरे कुछ महिला लोग जो थी वो चली भी गई, कुछ मैंने रोगी यहाँ पर प्रमाण के लिए है नहीं है। तो बताइए हॉस्पिटल के रखने से क्या फायदा है? तो रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं आप। आप इस विषय को कहीं कभी उठाए कि नहीं कि यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, नर्स नहीं रहता है, दवा नहीं मिलता है,
या कौन बातें हैं आपके वही मीटिंग में रखे कि नहीं? इसके लिए हम लोग जैसे कि आते हैं यहाँ पर, जो जैसे राजन जी पहले प्रभारी थे, अच्छा, या मोदी साहब प्रभारी थे, तब उनसे हम लोग लड़ते थे कि हाँ दवा मंगाइए, दवा नहीं है तो मंगाइए, यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो किसे लड़ा जाएगा? संदेश सब अच्छा, तो हम लोग को कोरी में देखना है, यहाँ का कोई भी शिकायत यहाँ जो चार्ज में है उसे हम लोग करेंगे, वो जाके संदेश में करेंगे। और सदस्य क्या करते हैं आपके अलावा? अच्छा, और सदस्य जैसे कोरिये ग्रामीण का आदमी है लोग, लेकिन आज उन लोगों का हमारे पास नंबर नहीं था, इसलिए वो लोग को हम खबर नहीं किए कि हाँ मैंने ऐसा स्थिति है। प्रसव पक्ष बंद है, वार्ड जो है ये जहाँ मरीज रहते हैं ये भी बंद है, इसको देखिए कभी साफ सफाई भी होता है कि नहीं, भगवान जाने। आइए अब आपको दिखाते हैं ये शल्य कक्ष जहाँ चिकित्सा होता है, ये गार्ड रूम, ये गार्ड रूम है, शल्य चिकित्सा कक्ष लिखा हुआ है सर। प्रसाद, चलिए ये तो प्रसादन कक्ष। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस रूम में कभी ऑक्सीजन की आप देखें ऑक्सीजन का रहता है कि नहीं? सर हम लोग आए हैं तो ऑक्सीजन ये कुछ बातें नहीं है, ना डिलीवरी है ना कुछ होता है, कुछ होता नहीं है। सही डॉक्टर नहीं है, आते हैं तो अपन लोग वहीं बैठते हैं, वहीं से अपन लोग दवाई दे के चले जाते हैं। जी चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपने ये कोरी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति से अवगत हुए। अब देखिए समाचार प्रकाशित के बाद अब आगे क्या होता है फिर भगवान ही मालिक है, बाकी कल्याण समिति रोगी कल्याण समिति के सदस्य अध्यक्ष लोग हैं। मिथिलेश सर का जो ड्यूटी है ना, और ये संदेश में है उनका कि आते हैं डेली, और एक मैडम का पोस्टिंग हो गया, राजन सर का पोस्टिंग हो गया, ठीक ना, दो एनएम है वो फील्ड में है। चलिए ठीक है, जो भी कारण है, लेकिन यहाँ जो पेशेंट है पेशेंट को यहाँ पता नहीं है, मिले या हॉस्पिटल की सुरक्षा हो, ऐसा क्या चाहिए अस्पताल के मने विकास के? विकास के लिए यही है कि बाउंड्री चाहिए, सब होके के चाहिए, और हमारे यही कहते गेरू जानवर सब कुछ यही में आता है जाता है। लाइट रहता है? लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, ये खाली बोर्ड में खाली लाइट है, बोर्ड के अंदर लाइट ना कहीं नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर भी लाइट नहीं है। शौचालय पानी की क्या व्यवस्था? पानी ठीक है सर, पानी तो है ना, उठा है चापाकल नहीं है, खराब है ये वाला, खराब हो गया है वो वाला चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आप अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थिति से अवगत हुए, अब आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।